हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपने तो समझ गया होगा देखकर कि आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो सॉरी, टाइप ने पार्ट मैंने बताया था। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, कल मैंने वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो सब्जेक्ट के बाद में जितनी भी सारी चीज़ें बचती हैं वो प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट आपका मान लेते हैं, इधर पे वाक्य हमने लिखा, सेंटेंस लिखा है राम फुटबॉल खेलता है। तो इसमें आपका राम क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद में जो भी चीज़ें बच रही हैं वो सारा क्या हो जा रहा है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ही आपका वर्ब भी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, और भी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपका प्रेडिकेट के अंतर्गत ही होती हैं। तो हम आज सीखेंगे क्या, क्रिया क्या होता है, और सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो सब्जेक्ट का पहचान करने के लिए हम क्वेश्चन किससे करेंगे, कौन, किसने, किन्होंने, क्रिया से पहले इन सबको लगाकर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, राम फुटबॉल खेलता है, तो कौन खेलता है, राम खेलता है। कौन हम कहां से लगाएं, ये इन तीनों वर्ड को हम वर्ब से पहले लगाकर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या मिला, राम। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट। अगले वाक्य में देखते हैं, श्याम चिल्लाता है, तो चिल्लाता से पहले हम क्या लगा देंगे, कौन चिल्लाता है, श्याम चिल्लाता है। तो श्याम सब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ब को कैसे पहचानेंगे, जो आपका है, हूँ, हो, जो रहता है उसके पहले जो शब्द होता है वही क्या होता है, क्रिया होता है किसी भी सेंटेंस में। तो आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको इन सब को वर्डों का यूज करना होगा। इन सब वर्डों को आपको क्या, क्रिया से पहले लगाकर बोलना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, हम इसमें बता दे रहे हैं। तो देखिए, वह हॉकी खेलता है, तो वह क्या खेलता है, क्रिया से पहले हम क्या लगा दिए, क्या। तो क्या जब यहाँ लगा देंगे, वह क्या खेलता है, तो क्या खेलता है, हॉकी खेलता है, तो हॉकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगले वाक्य में हम यहाँ क्या लगा देते हैं, तो तुम बाजार जाते हो, तो यहाँ से हम क्या कहाँ लगा देते हैं, तुम कहाँ जाते हो, तो तुम कहाँ जाते हो, बाजार जाते हो, बाजार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कमेंट में बताइएगा कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।